तो क्या रोमन रेंस जे उसो के हाथों फाइनली समर स्लैम में अपने टाइटल को हार जाएंगे? तो आप सब जानते हैं मनी इन द बैंक में हमने देखा था कि आखिर कैसे जे उसो वो सुपरस्टार बने जिन्होंने फाइनली रोमन रेंस को पिन किया, और उसके बाद स्मैकडाउन के एपिसोड में फाइनली जे उसो ने काइंड ऑफ चैलेंज कर दिया रोमन रेंस को। और मैंने आपको पहले बताया था कि WWE इनका मैच प्लान कर रही है और आने वाले हफ्तों में रोमन रेंस जे उसो का चैलेंज भी एक्सेप्ट करेंगे और ये मैच भी हमें देखने को मिलेगा समर स्लैम में। लेकिन यहाँ पर इंटरेस्टिंग बात ये भी सामने निकल कर आ रही कि WWE इस मैच में एक स्टिपुलेशन भी डाल सकती है जिससे इस मैच की स्टेक्स को और भी ज़्यादा हाई बनाया जा सके। अब काफ़ी बड़ा सवाल ये भी कि जे उसो ने रोमन रेंस को पिन कर दिया, लेकिन क्या वो यहाँ पर चैंपियनशिप जीतेंगे? तो इसके बारे में काफ़ी इंटरेस्टिंग रिपोर्ट सामने निकल कर आई है जिसमें बताया जा रहा है कि समर स्लैम के बाद WWE ब्लड लाइन और रोमन रेंस की स्टोरी लाइन का दी एंड करने वाली है। अब मुझे ये स्टेटमेंट काफ़ी अजीब सी लग रही है कि मेरे हिसाब से WWE फिलहाल तो ब्लड लाइन की स्टोरी लाइन का एंड नहीं करने वाली। मेरे हिसाब से समर स्लैम के बाद ये स्टोरी लाइन को थोड़े टाइम के लिए होल्ड पर WWE डाल सकती है, क्योंकि ऐसे रूमर्स हैं कि समर स्लैम के बाद रोमन रेंस हमें ज़्यादा टाइम WWE में देखने को नहीं मिलेंगे। जैसे WrestleMania के बाद एक महीने का रोमन रेंस ने ब्रेक लिया था, वैसा कुछ हमें फिर से देखने को मिल सकता है। तो इस वजह से WWE कुछ टाइम के लिए रोमन रेंस एंड ब्लड लाइन की स्टोरी लाइन को फुल स्टॉप लगा देगी और उसके बाद आगे चलकर हो सकता है ये स्टोरी लाइन फिर से कंटिन्यू हो। और इससे कहीं ना कहीं ये हिंट मिल जाती है कि रोमन रेंस जे उसो के हाथों नहीं हारने वाले, क्योंकि मैंने आपको पहले बता दिया कि WWE ने जे उसो को उनका मूवमेंट दे दिया और वो मूवमेंट था रोमन रेंस को पिन कर देना मनी इन द बैंक में। जे उसो फिलहाल वो सुपरस्टार नहीं है जो कि रोमन रेंस को हराने वाले हैं। तो इसमें अगर आप रोमन रेंस के फैन हो तो आपके लिए गुड न्यूज़ है कि रोमन रेंस समर स्लैम में टाइटल को नहीं हारेंगे। हो सकता है आपको देखने को मिलेगी समर स्लैम के बाद रोमन रेंस कुछ टाइम के लिए WWE से ब्रेक ले लें। ये कुछ अपडेट है रोमन रेंस की रिगार्डिंग। लेकिन नेक्स्ट अपडेट की तरफ चलते हैं और ये जुड़ी है LA Knight से। तो आप सब जानते हैं पिछले कुछ टाइम से LA Knight को ज़बरदस्त क्राउड की तरफ से सपोर्ट मिल रहा है। अब काफ़ी बड़ा सवाल है कि WWE LA Knight के साथ क्या करेगी? तो ऐसे रूमर्स आ रही कि WWE से ऑस्टिन थ्योरी के साथ उनका मैच करवाई US चैंपियनशिप के लिए एट समर स्लैम, क्योंकि थ्योरी का टाइटल रेन कुछ ज़्यादा खास चल नहीं रहा। तो ऐसे में LA Knight को न्यू चैंपियन बनाया जा सकता है, उन्हें काफ़ी अच्छा रिएक्शन भी मिल रहा है। और लास्ट मंथ WWE के टॉप 4 हाईएस्ट मर्चेंडाइज सेलर में LA Knight का भी नाम था। तो ऐसे में WWE के पास फिलहाल परफेक्ट मौका है LA Knight पर ट्रिगल पुल कर देने का और उन्हें टॉप स्टार बनाने की शुरुआत WWE को समर स्लैम से मेरे हिसाब से कर देनी चाहिए। लेकिन हम चलते हैं अपनी नेक्स्ट अपडेट की तरफ और ये जुड़ी है ग्रेसन वॉलर से। तो आप सब जानते हैं मनी इन द बैंक में ग्रेसन वॉलर का सेगमेंट जॉन सीना के साथ था, उसके बाद स्मैकडाउन में हमें ग्रेसन वॉलर एंड एज का मैच भी देखने को मिला था। तो ऐसे में ग्रेसन वॉलर के लिए WWE काफ़ी बड़े प्लान्स बना रही है, बताया जा रहा है कि हो सकता है समर स्लैम में हमें ग्रेसन वॉलर इफेक्ट में स्टोन कोल्ड स्टीव ऑस्टिन देखने को मिल जाए, और WWE डाउन द लाइन हो सकता है ग्रेसन वॉलर या फिर स्टोन कोल्ड स्टीव ऑस्टिन के बीच एक मैच भी सेटअप कर सकती है, या फिर जैसे हमें WrestleMania 38 में देखने को मिला था स्टोन कोल्ड स्टीव ऑस्टिन एंड केविन ओमिस के बीच, वैसा कुछ WWE मैच करवा सकती है। हालांकि जस्ट रूमर्स है, कुछ भी कंफर्म नहीं है, लेकिन रूमर से पता चलता है कि भाई WWE ग्रेसन वॉलर के बारे में केयर कर रही है, और मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि ग्रेसन वॉलर के अंदर काफ़ी ज़्यादा टैलेंट है। और WWE टॉप स्टार बनने के लिए जो आपको पूरा पैकेज चाहिए होता है, आपके रेसलिंग स्किल बढ़िया होने चाहिए, इसके अलावा माइक स्किल बढ़िया होने चाहिए, तो सब कुछ ग्रेसन वॉलर के पास है। तो मेरे हिसाब से आने वाले टाइम में ग्रेसन वॉलर WWE के काफ़ी बड़े सुपरस्टार बन सकते हैं। देखते हैं भाई उनके साथ आगे जाकर क्या होता है। और गाइस आज की हमारी वीडियो यहीं तक थी, आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो इस वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और मैं मिलता हूँ आपसे अब नेक्स्ट वीडियो में।